हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गिरिधर गोपाल और आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ हीरो की प्लेजर प्लस की प्लेटिनम एडिशन वाली स्कूटी की। इससे पहले मैंने आपको हीरो का प्लेजर प्लस दिखाया था, जो वो नॉर्मल वेरिएंट आप देख रहे हो वो वाइट वाली, और ये है थोड़ी सी हाइयर वेरिएंट प्लेजर प्लस की, जिसका कि पूरा नाम है हीरो की प्लेजर प्लस प्लेटिनम। तो अगर शुरुआत करें इसकी प्राइसेस की, तो इसका प्राइस आप लोग को अप्रोक्सीमेटली 81,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा ऑन रोड। तो अगर सबसे पहले मैं बताऊं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले तो आपको कॉस्मेटिक में चेंज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर डुअल टोन में आपको ये सीट्स देखने को मिल जाएंगे, और पूरा जो आप डैशबोर्ड देख रहे हो ये सब कुछ एक लेदर फिनिश वाले कलर में, मतलब लेदर फिनिश टेक्सचर में दिए गए हैं। और पीछे में आपको एक बैक सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा इसमें, जो कि प्लेजर प्लस के बेस्ट मॉडल में होती है मिसिंग, ठीक है। बाकी ये भी आपको 110cc की देखने को मिल जाएगी। तो अगर बात करें इसकी लुक की, तो यहाँ पर आपको मैट ब्लैक में इसकी कलर देखने को मिल जाएगी, मैट ब्लैक और लेदर ग्रे, ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और ये आप देख रहे हो कि सिल्वर कलर में इसके ये दिए गए हैं मिरर्स, तो एक काफ़ी यूनिक और प्रीमियम लुक ये ऐड करती है स्कूटी की। और यहाँ पे आपको एज यूजुअल जैसे कि प्लेजर में आती है, वैसे इसमें को हेलोजन लाइट देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर अब जो ये आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है, ये एलिमेंट, ये अब एक्चुअली में क्रोम में है, बट जो होती है प्लेजर की बेस मॉडल उसमें वो क्रोम में नहीं रहती है, वो कलर बस सिल्वर है, बस क्रोम में नहीं है, बट ये क्रोम में है। यहाँ पर आप मिरर्स में देख भी पा रहे होगे रिफ्लेक्शन, तो ये क्रोम में है। फिर ये पूरा ब्लैक में आपको मैट ब्लैक में आ जाएगा। बीच में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्रोम का एक पीस यूज किया हुआ है। और दूसरी बात ये कि इसका जो फ्रंट मडगार्ड है, यहाँ पर एक क्रोम की एलिमेंट भी ऐड की गई है, जो कि आपको वो वाली प्लेजर प्लस में देखने को नहीं मिलेगी। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, ताकि यह पता लगा पाओ कि कौन सा प्लेजर है और कौन सा प्लेजर का प्लेटिनम है। वैसे भी आपको यहाँ पर सीट में काफ़ी अच्छे से इंग्रेव किया हुआ मिल जाएगा, प्लेटिनम। और अगर बात करें इसकी टायर की, तो इसमें आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, और दोनों टायर आगे पीछे दोनों ट्यूबलेस हैं। इसमें भी आपको ABS यानी इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और अगर अब बात करें इसकी न्यू फीचर की, तो इसमें अब आपको USB चार्जिंग का भी यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर अपना फ़ोन प्लग करना है और यहाँ से आपकी फ़ोन हो जाएगी चार्ज। और जो भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो मीटर सेम ये प्लेजर प्लस से इसने अडॉप्ट किया है, पर फिर भी मैं आपको देता हूँ बता के। तो ये होगी इसकी हाई बीम, लो बीम, टर्न, हॉर्न, सेल्फ स्टार्ट, और ये रहा इसका फ्यूल गॉज, हाई बीम, ये लो फ्यूल इंडिकेशन, टर्न लाइट, इंजन मलफंक्शन, और साइड स्टैंड इंडिकेटर, और ये रहा इसका स्पीडोमीटर, और ये रहा इसका ऑडोमीटर। तो ये बिल्कुल सेम है आपका प्लेजर प्लस से। बाकी सीट कवर जो है काफ़ी अच्छा दिया गया है उस वाला मॉडल से, इसमें एक लेदर की फिनिश यहाँ पर है, साथ ही में ब्लैक है पीछे में, और इसी के मैंने आपको बताया एक यहाँ पर बैक रेस्ट भी दिया हुआ है, जो कि ओल्ड एज है या फिर लंबे दूर तक अगर सफ़र करते हो तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा। और पीछे में यहाँ से आप इसके सीट को ओपन कर सकते हो, और काफ़ी बड़ी सी इसमें टेल लैम्प दी गई है, जो दूर से ही हो जाएगी विजिबल। और यहाँ पर जो साइलेंसर है उसके ऊपर ये क्रोम प्लेट भाई ऐड की हुई है। तो इसकी लुक्स आप देख सकते हो वीडियो में कितनी काफ़ी कमाल की लग रही है। और ये साइड में दो फुट रेस्ट। तो अगर आपको चाहिए कि 110cc में एक अच्छी स्कूटी के साथ में अच्छी दिखने वाली भी स्कूटी चाहिए, तो आप डेफिनेटली नो डाउट हीरो की प्लेजर प्लस प्लेटिनम की ओर जा सकते हो। और जितने अच्छे इसके फीचर्स हैं उतने ही लाजवाब इसके लुक्स हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रोम के एलिमेंट यूज़ किए हुए हैं, जो कि एक कॉन्ट्रास्ट ऐड करते हैं, ब्लैक क्रोम, ब्लैक बीच में क्रोम। ये जो हैंडल्स हैं इसके भी यहाँ पे एक्सटेंशन दिए हुए हैं, जो कि आपको लेदर में देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये बॉडी में भी एक क्रोम का एलिमेंट है। अगर आप फ्रंट में भी देखोगे तो यहाँ भी एक ऐड किया हुआ मेटल का पीस, और पीछे में आपको वहाँ पे
जो ग्रैब रेल है वो काफ़ी लंबा देखने को मिलता है और पूरा मेटेलिक क्रोम का देखने को मिलता है, और जो ब्लेजर की बेस मॉडल है उसमें वो ग्रैब रेल देखने को मिलते हैं बट वो थोड़े ब्रॉड में हैं और ये राउंड शेप में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये स्कूटी मुझे बताना कमेंट में, और साथ ही में ये वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे बताना आप। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लो। तो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में।